उनसे पूछे मैं क्या जवाब दूँ। मैंने तो उनको इनवाइट किया, मैंने चिट्ठी लिखी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अभी भी सोचेंगे आएंगे। मैम यू हैव टू आस्क हर, वी हैव इनवाइटेड हर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड आई एम स्टिल होपिंग वेरी मच दैट शी विल एक्सेप्ट माई पर्सनल इन्विटेशन एंड अटेंड द गवर्निंग काउंसिल ऑन द 15th एंड गिव अस द आइडियाज एज टू हाउ टू इम्प्रूव नीति फर्दर। Do you still think that what she has said has any base on I can't comment on that. She's sir, inflation ka jo unemployment ka jo data aaya tha usme bhi 45 years high dikhaya ja raha hai, kya niti aayog is pe aage kuch agenda le raha hai? Employment bilkul connected hai growth se, मैंने आज पूरे सर ग्रोथ भी 5.8 हो गया, मैंने आज इतनी देर तो बात करी ना कि इसको हमें पता है कि हो गया है और हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिवर्स करें और इसको हम तेज़ लाएं और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए कई एक कदम सरकार उठाने की कोशिश करेगी उठाएगी बिल्कुल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के बारे में अलग से बात नहीं हो सकती है ना। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा मयंक जलान ने कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ग्रोथ कह रहे थे, खुद उनकी कंपनी में 800 लोग को उन्होंने 3 साल में एम्प्लॉयमेंट दिया। अब पूरा EPFO का जो डेटा है जो आपको पता है, पूरा ओला ऊबर जो इनफॉर्मल सर्विसेज वगैरह, उसमें ग्रोथ जितनी हुई है वो शायद हमने पहले भी कहा था नीति आयोग से कि उस डेटा में कैप्चर नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो हमें उसके बारे में भी कुछ देखना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना ग्रोथ को तेज़ी करना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हमें तेज़ करना है। सर आपने बात की सर डेवलपमेंट को एज अ मास मूवमेंट हमें करना चाहिए, तो कैसे अचीव कर सकते हैं सर उसको? अब इसी तरह से होगा ना कि जब हर व्यक्ति को ये लगेगा कि जो विकास हो रहा है उसका फ़ायदा उसको पहुंच रहा है, जैसा कि पिछले 5 साल में हुआ, तो ये मैंडेट तो वही दिखाता है ना कि अब लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं सरकार के साथ इस विकास को जो है वो एक मास मूवमेंट बनाने के लिए। उसमें हम देखेंगे आगे, जैसे कि अब मान लीजिए स्वच्छ भारत नंबर 2 होता है, तो उसमें अब आगे बढ़कर जो आपके चारों तरफ इर्द गिर्द जो जगह है उसको स्वच्छ रखने की बात होगी, पानी की सफा करने की बात होगी, उससे विकास होगा। अगर उससे अब 36 करोड़ बैंक अकाउंट खुल गए, अब उस बैंक अकाउंट में जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होना लगेगा और तो विकास जो है मास मूवमेंट बनेगा। एक आशा जगाने की बात होती है हर व्यक्ति और जो ख़ासतौर से जो बिल्कुल लाइन के पीछे खड़ा हो, जो एकदम नीचे हो, उसमें एक बार आशा जग जाए कि मेरी और मेरे आने वाली जनरेशन की जो है वो हालत सुधरेगी, वो खुद अपने आप जुड़ता है उसमें विकास में। और ये आशा मेरे ख्याल में पिछले 5 साल में जगी है, और अगर अब जब ये ग्रोथ और तेज़ होगी तो उससे वो आशा जो है वो और सुदृढ़ होगी और सब लोग इसमें फिर हिस्सा लेंगे। सर गवर्निंग काउंसिल की बैठक का एजेंडा क्या होगा? सर गवर्निंग काउंसिल की बैठक पब्लिक डोमेन हो जाएगा, देख लीजिएगा उसमें।